गढ़वा जिले के श्री वंशीधर नगर का यह है हुलहुला खुर्द पंचायत। इस गांव के लोग पिछले कई सालों से जहरीला पानी पीने को मजबूर है। वजह है पानी में फ्लोराइड का होना। हालात ये है कि लोग इस समय ही काल की गाल में समा रहे हैं। कोई इस समय बूटा हो रहा है, किसी के दांत पीले हो रहे हैं तो किसी के दांत टूट रहे हैं, कोई हाथ और पैर से लाचार है। करीब 100 घरों की यह बस्ती कई दशकों से फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। हालांकि सरकार ने अब इस गांव में नल जल योजना दी है, जिससे अब ग्रामीणों को बहुत जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि गढ़वा जिले के 3 प्रखंड में फ्लोराइड की यह समस्या है, जिसमें सदर प्रखंड के प्रतापपुर का मनहा टोला, रंका का दूधवल पंचायत और श्री वंशीधर का हुलहुला खुर्द पंचायत है। इन इलाकों में पानी की जांच के लिए कई बार टीम आई, लेकिन नतीजा विफल ही रहा। और इस मामले में पीएचडी विभाग के इंजीनियर ने बताया कि आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां जल नल योजना चल रही है, पाइपलाइन बिछ रही है, जल्द ही या सभी घरों तक पानी का कनेक्शन चला जाएगा। पूरे गढ़वा जिला में चिन्हित जगह है जो यहाँ पर फ्लोराइड की बीमारी अपना काफी पैर पसार चुकी है, लोग यहाँ अपंग पैदा लेते हैं। ये समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी। वहाँ फ्लोराइड पॉलिटिफ्रेड एरिया है, जिसमें फ्लोराइड से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। अस्थायी व्यवस्था के रूप में हर घर नल जल की व्यवस्था के साथ उसको शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पाइपलाइन बिछ गया, स्कीम पूरा हो गया था, पूरा टेस्टेड है, संचालित है। फ्लोराइड के पीने से हमारा ये हाल है कि ये दांत गोड़ सब झर गया, गोड़ हाथ सब खराब रहा। अधिक जानकारी के लिए गढ़वा से संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके। धर्मेंद्र, आज भी नल जल योजना की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आज भी अगर बात करें तो अभी भी जो लोग हैं वहां के गढ़वा के जहरीली पानी पीने को मजबूर है, जिसकी वजह से काफी परेशानी वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो आपका आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है धर्मेंद्र। फिलहाल आपको बता दें कि गढ़वा जिले के श्री वंशीधर नगर का ये है हुलहुला खुर्द पंचायत, और इस गांव के लोग भी पिछले कई सालों से जहरीला पानी पीने को मजबूर है। वजह है पानी में फ्लोराइड का होना। हालात है कि लोग इस समय ही काल की गाल में समा रहे हैं। कोई इस समय बूटा हो रहा तो किसी के दांतों में दिक्कतें हो रही है, तो किसी के दांत टूट रहे हैं। और एक बार फिर से गढ़वा से संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें तो यानी पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो लोग आज भी जहरीले पानी पीने को मजबूर है, ऐसे में ऐसी कहां दिक्कत आ रही? क्योंकि जब भी कहा जा रहा है जल जीवन योजना की चल रही है, लेकिन फिर भी इस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि गढ़वा जिला में बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पे फ्लोराइड पानी है। सबसे अधिक फ्लोराइड की बात की जाए तो सदर प्रखंड का मोनहा टोला है, वहाँ पे फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लगभग अभी तक कहा जाए तो दर्जनों से ऊपर लोगों की मौत हो गई है। अगर बात की जाए बंशीधर नगर की हुलहुला खुर्द और हुलहुला कला की, तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे वे फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। लेकिन अब जो नल जल योजना आई है उससे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है कि उन्हें अब शुद्ध पेयजल मिलेगा और उन्हें अब इस बीमारी से निजात मिलेगी। बात की जाए तो जिला प्रशासन हो या सरकार हो, वो भी सजग है। कितनी बार यहाँ पे सर्वे भी की गई, वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह सुचारू नहीं हो सकी। लेकिन अब सबकी नजरें अब नल जल योजना पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।